बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। एसडीओ ने संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर जन वितरण के विक्रेताओं के साथ की बैठक। तेघरा एसडीओ सह निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त मतदाता परीक्षण कार्यक्रम MSR 2024 को लेकर प्रखंड के अटल कलाम भवन में के सभागार में सभी जनप्रतिनिधियों की विक्रेताओं की बैठक कर पोषक क्षेत्र के छूटे योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मार्गदर्शन पर 1 जनवरी 2024 के अर्हता तिथि मानते हुए वार्षिक विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार ही प्री रिवीजन से संबंधित गतिविधियों जैसे IRO, BLO समेत अन्य की समीक्षा बैठक, BLO द्वारा घर घर पर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची एवं व्यापक त्रुटि का निराकरण, मतदान केंद्र की रेसाइनलाइजेशन संबंधित कार्य, ब्लैक एवं व्हाइट फोटो से प्रतिस्थापन, मतदाता सूची में व्यापक कर्मियों का निराकरण, कंट्रोल टेबल अपडेशन और मतदान सूची की तैयारी आदि से संबंधित कार्य के संपन्न उपरांत रिवीजन के साथ ही 25 एवं 26 नवंबर को तेघरा प्रखंड के विभिन्न बूथों पर BLO शिविर लगाकर इसका निराकरण करेंगे। उन्होंने सभी वितरण प्रणालियों के विक्रेताओं से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से आम चुनाव में कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो रहे। इसके लिए वर्तमान संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में ही 1 जनवरी 24 की अर्हता तिथि जानते हुए सभी पात्र नागरिकों और उनके छूटे हुए योग्य नागरिकों का निबंधन करवाना जाना मूल प्राथमिकता है। बैठक में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ओनम कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर कुमार, डीलर संघ के अध्यक्ष पवन पासवान, सचिव चंद्र किशोर, से संगठन मंत्री सुनील प्रसासी, कोषाध्यक्ष राम प्रकाश मोची, अरविंद कुमार मातो, परमानंद साह, प्रमोद गुप्ता, विजय राय, विजय चौधरी एवं मनोज पासवान के अलावा भारी संख्या में जन वितरण विक्रेता शामिल हुए। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। रही बात है कि कुछ जो अनुग्रह अनुदान मिलता है या फिर जो सब्सिडी सबका पढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका भी क्षेत्र में पढ़ेगा ही। इसीलिए सरकार समझती है कि आप भी मतलब कि आंशिक रूप से सरकारी कर्मी ही है। आयोग का जो प्रमुख कार्य है उसी के आलोक में हम लोग आज एक मीटिंग रखे हैं कि आप एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों के बीच जाने के लिए, क्योंकि गांव के हर लोगों से आपका जुड़ाव रहता है, खास करके ग्रामीण लोगों से। और ग्रामीण लोग अभी भी अपेक्षाकृत कम जागरूक होते हैं अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति। तो मेरा एक उद्देश्य था कि सभी यहाँ जितने भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता है सभी के साथ एक मीटिंग रखने के लिए कि जितने भी अभी भी कुछ लोग ऐसे मतदाता है जो छूटे हुए हैं, खास करके दो तरह के मतदाता है। एक तो पहला कि जो शादी होकर पहली बार आई है महिलाएं, वैसे मतदाता जो कि अपने मायके में पहले थी वहां से आई है।